हे गाइस, फाइनली फाइनली हमारी चैनल मोनेटाइज हो गई है 2 साल के बाद। एंड अभी मैं सूरत में हूँ। इस बार में पुरिसा को कुछ भी नहीं पता है। सो अभी उसको मैं कॉल करके भी बता सकता था, लेकिन मैंने अभी नहीं बताया उसको। घर का जाके उसके रिएक्शन मुझे देखने थे, इसलिए अभी मैंने उसको कुछ बताया नहीं है। एंड इस 2 साल की हमारी जर्नी के बारे में, चैनल मोनेटाइज के बारे में हर एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा। हम लोग ने कितना अर्न किया है एंड आप लोग भी कितना अर्न कर सकते हो, ये हर एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम पुरिसा के रिएक्शन देख लेते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करती है। लेट्स सी पुरिसा के रिएक्शन, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। Hey. पुरिसा गैस कर, गैस कर। यस जस्ट फाइनली आफ्टर 2 ईयर बच्ची जस्ट अत्यार मेरे को मेल आई है कि तुम्हारी चैनल मोनेटाइज थी गई छे। अब तो पैसा ही पैसा बता रही हूँ मैं तो अंदर क्यों। कांग्रेचुलेशंस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली हमारी चैनल हो गई है मोनेटाइज। तो पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने हमारे हर एक वीडियो की स्टोरी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाली है। एंड उनको भी थैंक यू जिन्होंने एक बार भी हमारा वीडियो वॉच किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो उसकी प्रोसेस क्या है, एंड अगर आपको पैसे अर्न करने हैं तो आप कौन सी जगह से और किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हो, एंड हमने कितने पैसे अर्न किए हैं, एंड हमने जो गलती की है वो आप कभी मत करना, उसकी टिप्स और ट्रिक, एंड समथिंग बिग इज कमिंग। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, यूट्यूब पे अर्न करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पे चैनल बनानी होगी। चैनल बनाने के बाद उसके कुछ क्राइटेरिया है वो आपको कम्प्लीट करने, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर आपको कम्प्लीट करना है। 4000 वॉच आवर मतलब 240000 मिनट आपका वीडियो देखा हुआ होना चाहिए, वो भी लास्ट 365 डेज के अंदर। वो हो जाता है तो आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाएगी। उसके बाद आपको बहुत सारी अर्निंग आपको मिल सकती है, जैसे कि पहली अर्निंग है मेंबरशिप, जिसमें आपको आपके सब्सक्राइबर को मेंबरशिप देने के बाद उसमें से अर्न कर सकते हो। दूसरी होती है अक्रॉस सेल, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट सेल करनी है उसका आपको कमीशन मिल सकता है। तीसरी होती है आप लाइव स्ट्रीमिंग करो, लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद आपको उसमें से अर्निंग मिलेगी। एंड चौथी होती है गूगल एडसेंस, जिसमें आपके वीडियो के ऊपर जो एड्स आती है उसके ऊपर से आपको अर्निंग मिलती है। ये सबसे मेन अर्निंग होती है। एंड पांचवी और सबसे बड़ी अर्निंग होती है स्पॉन्सरशिप की, जिसमें आपको ब्रांड का प्रमोशन करना रहेगा एंड ब्रांड आपको उसका पे करेगी। सो गाइस, गलती की बात करूं जो हमने की थी, तो हमने पहले ही हमारी जो एक कश्मीर की सीरीज थी वो पहले ही अपलोड कर दी थी। तब हमारे पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे। तो आप अगर अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आपके जो मेन पहले वीडियो है वो थोड़ा अपना बेस बनाइए, थोड़े सब्सक्राइबर्स आपके होने दीजिए, उसके बाद ही आप अपने मेन वीडियो डालें। क्योंकि फिर आपको होगा कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है तो आपकी इतनी रीच नहीं जाएगी। तो पहली गलती हमने वो की थी, और दूसरी हमने हमारी कंसिस्टेंसी इतनी नहीं रखी थी। हमने 2-3 महीने में एक दो वीडियो डाले थे, हमने 2 साल में सिर्फ 40 वीडियो ही डाले है। अगर आप 1 महीने में भी अपनी चैनल को मोनेटाइज करना चाहो तो वो पॉसिबल है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो तो। एंड अर्निंग की बात करें तो यूट्यूब की ओर से हमारी कोई अभी अर्निंग नहीं हुई है, क्योंकि हमारी चैनल आज ही मोनेटाइज हुई है। बट हमने 2-3 स्पॉन्सरशिप की थी जिससे हमें थोड़ी बहुत अर्निंग हुई है। तो सब जो होता है वो आपके सब्सक्राइबर्स एंड आपके जो व्यूज होते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपके जितने ज्यादा व्यूज आता है आपकी स्पॉन्सरशिप एंड आपको पेमेंट यूट्यूब से उतना ज्यादा मिलता है। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि समथिंग बिग इज कमिंग, तो हम थोड़े टाइम में रिवील करेंगे कि वो क्या है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।